हेलो गाइस, वेलकम टू डगियासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, रियलमी एक्स टू प्रो आप सभी को पता है क्या, बहुत ही जल्दी रियलमी की तरफ से एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। लीक्स आ रही थी भाई, ऐसा आएगा वैसा आएगा, ये तारीख को लॉन्च होगा, ये प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होगा। तो लीक्स को करते हैं हम साइड में। कन्फर्म लॉन्च डेट आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, एज वेल एज 110% जो कन्फर्म स्पेसिफिकेशन ये फोन में आपको मिलेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में ये इंडिया में कब देखने को मिलेगा, क्या प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलने वाला है, सारी चीजें आज की स्टूडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 2000 लाइक्स का, आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बात लेते हैं हम कंफर्म लॉन्च डेट के बारे में। तो Realme X2 Pro जो है कंफर्म चाइना में आपका 15 अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है, कंफर्म हो चुका है। बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर निकल के आ चुकी है, तो कुछ ही दिन मतलब 5-6 दिन बाद आपको यहाँ पर ये चाइना में देखने को मिलेगा। इंडिया लॉन्च डेट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है नवंबर की लास्ट वीक में या दिसंबर की फर्स्ट सेकेंड वीक में आपको यहाँ पर ये इंडिया में भी कंफर्म देखने को मिलेगा। और Realme का फ्लैगशिप इंडिया में आने वाला है ये भी 100% कंफर्म है, दिसंबर या नवंबर की लास्ट वीक में। तो आप लोग अगर वेट कर रहे थे फ्लैगशिप स्मार्टफोन का जो कि आपको अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिले, तो आप ये फोन का वेट कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 50% से ज्यादा मैंने आपको कंफर्म प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको 110% जो कंफर्म स्पेसिफिकेशन ये फोन में डिटो मिलेंगे वही मैं आपको बताने वाला हूं लॉन्च से पहले। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर ये फोन के बिल्ड और डिजाइन से। तो यहां पर आपको फ्रंट में और बैक में अगेन एक्चुअल ग्लास देखने को मिलेगा, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। लेकिन यहां पर जो कैमरे की प्लेसमेंट है, Realme XT में आपको साइड में क्वाड कैमरे का सेटअप मिल रहा था, लेकिन ये फोन में आपको यहां पर सेंटर में देखने को मिलेगा। तो डिजाइन थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस करा जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो फुटप्रिंट वगैरह है वो आपको XT जैसा ही ओवरऑल देखने को मिलेगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो डिस्प्ले की साइज हल्की सी बढ़ा दी गई है, यहां पर आपको 6.55 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, यहां पर भी आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और यहां पर भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। डिस्प्ले में यहां पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आपको रियलमी देने वाला है, और जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपका 91% से भी ज्यादा देखने को मिलेगी। रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है यहाँ पर ये आपको दो वेरिएंट में मिलेगा, एक तो 6GB वाला वेरिएंट मिलेगा और एक आपको 8GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। सबसे जबरदस्त चीज यहाँ पर मुझे ये लगी जो कि सबसे नई निकल के आई है कि यहाँ पर आपको UFS 3.0 का सपोर्ट मिलेगा। यस, 2.1 नहीं है, 3.0, मतलब UFS 3.0 जो आपको OnePlus 7 Pro या बोल सकते हैं OnePlus 7T में मिलती है, जो कि सबसे फास्ट स्टोरेज है अभी फिलहाल के लिए एंड्रॉइड में, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी कमाल की बात है। और LPDDR4X का आपको रैम टाइप भी देखने को मिलेगा, तो रैम स्टोरेज मतलब बहुत ही फास्ट यहाँ पर ये फोन में रियल में आपको प्रोवाइड कराने वाला है। अब बात कर लेते हैं सबसे फास्ट चीज के बारे में जो कि ये फोन की परफॉर्मेंस, यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस देखने को मिलेगा, जो कि मतलब एंड्रॉइड के लेवल से अगर आप देखोगे तो इससे बेस्ट चिपसेट अभी फिलहाल के लिए तो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो परफॉर्मेंस भी ये फोन में आपको एक्सीलेंट देखने को मिलेगी, टॉप ऑफ द लाइन आपको देखने को मिलेगी, जिसके आपको वन प्लस के फोन में, सैमसंग के फोन में परफॉर्मेंस मिलती है। तो रियलमी का ये पहला ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन रहेगा जो कि आपको इस तरीके परफॉर्मेंस देगा जो कि आउटस्टैंडिंग रहने वाली है। अगर हम बात करें यहां पर ये फोन के कैमरास के बारे में तो कैमरास में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा, यहां पर भी आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि हमने ऑलरेडी रियलमी XT में देख चुके हैं। अब इसको थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज करके और अच्छी यहां पर पिक्चर क्वालिटी बना के रियलमी आपको देने वाला है। स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, सारी चीज आपको यहां पर भी भर भर के AI वगैरह देखने को मिलेगा। सेल्फी कैमरा अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर। अगर हम बात करें एंड्रॉइड वर्जन और UI के बारे में तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 भी आ सकता है या पाई भी आ सकता है, यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये चीज कंफर्म है कि कलर OS 6 के साथ में ये आपको देखने को मिलेगा। अभी भी आपको रियलमी OS अभी फिलहाल के लिए फोन में देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मिलेगा ही, एज वेल एज यहाँ पर आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिलेगा, NFC का सपोर्ट भी यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो यहां पर आपको 4000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलेगी, टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है, और 50 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा वुक टेक्नोलॉजी के साथ में, जो कि आउटस्टैंडिंग रहने वाला है। मतलब तकरीबन आधा घंटा या 36 मिनट के आसपास 0-100% आपका ये फोन चार्ज करके दे देगा, कि अमेजिंग चीज है। और मतलब ये प्राइस पॉइंट भी बताया जा रहा है काफी अग्रेसिव रहेगी, तो उसके हिसाब से तो यार मतलब कमाल कर देने वाला है रियलमी बैटरी के
डिपार्टमेंट में भी। तो ऑल इन ऑल ये पैकेज आपको देखने को मिलता है। पैकेज से तो आप समझ ही गए रहेंगे यार, फ्लैगशिप फोन यहाँ पर मतलब रियलमी की तरफ से आने वाला है और अच्छे अच्छे फ्लैगशिप को तो कट करने ही वाला है, साथ में जो फ्लैगशिप किलर है जो उस लोगों को भी यहाँ पर जो लोगों का पत्ता जो है साफ करने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में, चाइना में बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है वो 25 से 30,000 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, और इंडिया में भी यहाँ पर जो इसका प्राइस पॉइंट है वो बताया जा रहा है 30,000 के अंदर कंफर्म आपको देखने को मिलने वाला है। तो वन प्लस 7T वगैरह से अगर आप कंपेयर करोगे तो काफी आपको चीप देखने को मिलेगा, और जो फीचर है वो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर देखने को मिलने वाले। यार एक चीज मैं भूल गया, वन प्लस 7T से यहाँ पर याद आई कि यहाँ पर जो 7T में आपको 90Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है, तो सेम टू सेम आपको यहाँ पर रियलमी X2 Pro में भी 90Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट फीचर आपको अभी आज की डेट में 2019 में फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी यहां पर रियलमी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। सो ऑल इन ऑल अगर देखें ये फोन अगर 25 से 30,000 के बीच में आ जाता है, मुझे नहीं लगता यहां पर वन प्लस 7 वगैरह इसको किल कर पाएंगे। 7T हो गया, 7 प्रो हो गया, मतलब 30,000 के अंदर की प्राइस पॉइंट पर अगर ये फोन आ जाता है ना, अच्छे खासे फ्लैगशिप किलर को मतलब गायब कर देगा। K20 प्रो सीरीज वगैरह से भी ये एक स्टेप ऊपर का फोन है, चाहे वो प्रोसेसर की बात करो या ओवरऑल UFS 3.0 की सपोर्ट की बात करो, 90Hz डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो ये फोन आउटस्टैंडिंग रहेगा। अगर 30 के अंदर आ जाता है भाई, पर्सनली मैं डेफिनेटली इसे परचेस करूंगा, बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर ये फोन आ जाता है और 25 से 30,000 के बीच में अगर प्राइस पॉइंट रखते हैं तो आपको क्या लगता है, OnePlus को या Xiaomi जैसे ब्रांड या Samsung जैसे ब्रांड्स को किल कर पाएगा नहीं कर पाएगा? आपको क्या लगता है Realme के फोन में आप लोग इतने पैसे डालोगे 30,000 के आसपास या नहीं डालोगे? मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे सबको ऑडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको ऑडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है वीडियो में, जब तक के लिए Thank you.